नो एंट्री में सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान हैं। उन्होंने 2023 का प्रस्ताव रखा। सलमान ने निर्माता बोनी कपूर के साथ संघर्ष के बाद कथित तौर पर इस्तीफा दे दिया। सलमान का इरादा था नो एंट्री में एंट्री, बोनी का प्रोडक्शन तैयार था। सलमान नेगेटिव, आईपीआर, डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स चाहते थे। बोनी अपनी मांगों के कारण सलमान के बिना नो एंट्री का सीक्वल बनाएंगे। अगर सच है तो नो एंट्री 2 के फैंस सलमान को नहीं देख पाएंगे। सलमान और बोनी कपूर को अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए। बज्मी ने कहा कि वे फ्रेंचाइजी की लोकप्रियता को भुनाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि उन्होंने अगली कड़ी के लिए कई विचारों की जांच की और उन्हें खारिज कर दिया। हमने 2016 में वन लाइनर चुना था। इस एक पंक्ति के विचार को एक कहानी और संवाद में विकसित करने के लिए प्रयास की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि ऐसी फिल्में देखते समय अपना दिमाग घर पर छोड़ दे, लेकिन हमें उनके साथ कड़ी मेहनत करनी होगी। आईटी धन्यवाद आप वीडियो देखने के लिए।